हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, नेल पेंट से तिल, मस्से और दाग ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं, 100% वर्किंग। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जिसके बारे में ना आपने कभी सुना है और ना ही ऐसे नुस्खे कभी देखे होंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। आप इसे यूज करके इसका रिजल्ट देखकर चौंक जाएंगे। ये इतनी इजी है, आप खुद सोचेंगे कि ये इतना आसान नुस्खा आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। जब मैंने इसे इस्तेमाल किया तो मैं खुद चौंक गई, क्योंकि इतना आसान सा नुस्खा और इतना अच्छा रिजल्ट ये कैसे हो सकता है। ये जो नुस्खा मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपके तिल और मस्सों, यहाँ तक कि दाग को भी ऐसे खत्म कर देगी जैसे वो पहले कभी था ही नहीं। अक्सर लोगों के शरीर में कहीं ना कहीं छोटे छोटे तिल पाए जाते हैं। हमारे शरीर की त्वचा छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी रहती है, जिसे पिगमेंटेशन सेल्स कहा जाता है। लेकिन कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे खान पान और हवा पानी के कारण ये कोशिकाएं हमारे शरीर में एक साथ मिलकर छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेती हैं, और जब हम धूप में जाते हैं तो इन कोशिकाओं का ग्रुप धूप में संपर्क में आते ही ये काला हो जाता है, जिसकी वजह से ये तिल बन जाते हैं। चेहरे पर अगर एक या दो तिल हो, वो भी छोटे छोटे, तो उनका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये तिल बहुत ज्यादा हो जाए और हमारे शरीर के उस जगह हो जहाँ पर ये आसानी से दिखाई दे, तो ये हमारी खूबसूरती को भी खराब कर देते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक नुस्खा लेके आई हूँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस नुस्खे को कैसे यूज करना है। आपको लेना है, सबसे पहले एक प्याज लेनी है। प्याज को अच्छे से मिक्सर के अंदर ग्राइंड करके इसका आपको रस निकाल लेना है। इसके बाद आप कॉटन की मदद से इस प्याज के रस को अपने तिल वाले हिस्से पर लगा लें। अब इसे आपके तिल के ऊपर या मस्से के ऊपर लगाइए कॉटन की मदद से। इसे लगाकर करीब एक घंटे तक छोड़ दें। आपको ये ध्यान देना है कि अगर कॉटन सूख जाता है तो दोबारा आपको उस प्याज के रस में डुबोकर कॉटन को लगा देना है, लेकिन आपको एक घंटे तक इसे तिल या मस्सों के ऊपर लगाना है। आप चाहे तो पूरी रात के लिए भी इसे लगा रख सकते हैं, वरना आप इसे एक घंटे बाद हटा सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए नेल पेंट यानी नेल पॉलिश। ये सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि नेल पेंट से या नेल पॉलिश से कैसे तिल को हटाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे अपने मस्सों पर लगाते हैं डॉट करके, तो एक हफ्ते में आप इन नुस्खों से हमेशा के लिए अपने तिल को बाय बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि जब आप नेल पॉलिश को अपने तिल या मस्सों के ऊपर लगाएंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी जलन जरूर होगी। इसके लगाने के बाद जब ये सूख जाए, 2 से 3 घंटे बाद जब ये अच्छी तरह सूख जाए, तो आप इसे खुरेज कर निकाल दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो नेल पेंट के साथ यानी नेल पॉलिश के साथ साथ ही मस्सा आहिस्ता आहिस्ता होकर निकल जाएगा और वो स्थान सूखने लग जाएगा। आपको इस नेल पेंट को ध्यान से जहाँ आपके तिल या मस्से हैं उसी के ऊपर पॉइंट करके लगाना है, पूरे फेस पर या पूरे गर्दन पर नहीं लगाना है। जब ये अच्छी तरह सूख जाए तो आपको निकाल देना है हल्के हल्के नाखून की मदद से। आपको ज़्यादा तेज नहीं करना है, नहीं तो आपको स्किन में थोड़ी इरिटेशन हो सकती है। इसके बाद आपको वापस से प्याज के रस में भिगोई हुई रुई को लेना है और इससे उस जगह को साफ कर लेना है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपको प्याज के रस में डूबे हुए कॉटन को तिल या मस्सों के ऊपर कम से कम एक घंटे के लिए लगा कर रखना है। इसके बाद आप तिल या मस्सों पर नेल पॉलिश की पॉइंट करके ड्रॉप लगा सकते हैं। इसके बाद जब यह सूख जाए तो इसे आप नाखून की मदद से हटा लें और फिर से प्याज के रस में डूबा हुआ रुई वापस से लगा लें। दोस्तों, ऐसा अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आप एक हफ्ते के अंदर ही आपको इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने में मिल जाएंगे। अगर आप इसे कंटिन्यू 3 से 4 हफ्ते करते हैं तो आपके तिल और मस्से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। आप इसे दिन में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे अपने फेस पर ट्राई करेंगे तो इसके लिए आपको लेना है विटामिन ई की गोली, विटामिन ई की कैप्सूल जो 400 mg की होगी, उसे आप ले लें। तो इसके लिए आपको करना है, पहले प्याज का रस लगाना है, फिर एक विटामिन ई कैप्सूल की अंदर की ऑयल को आपको लगाना है अपने तिल पर। इसके बाद आपको नेल पॉलिश का इस्तेमाल करना है। एक हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे
कि आपका तिल या मस्सा वो रिमूव हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसका नामो निशान खत्म हो गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।